समालखा के लघु सचिवालय परिसर में नंबरदार एसोसिएशन के बैनर तले प्रधान जसबीर नंबरदार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नंबरदारों की मांगों को लेकर पंचकूला में 21 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जानकारी मुहैया कराना था। इस दौरान हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के तत्वावधान में सभी नंबरदार 21 अगस्त को पंचकूला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी नंबरदार सम्मिलित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करेंगे। इस राज्य स्तरीय बैठक में नंबरदारों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। जानकारी देते हुए प्रधान जसबीर नंबरदार ने बताया कि बैठक में आगामी 21 अगस्त को पंचकूला में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सभी पदाधिकारियों नंबरदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि उनकी एसोसिएशन की सभी मांगे बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार को तुरंत बजट जारी करना चाहिए। इस दौरान सैकड़ों नंबरदार मौजूद रहे। प्रधान जसबीर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 18 अगस्त को निर्धारित किया गया था, लेकिन रक्षाबंधन के चलते इस कार्यक्रम को आगामी 21 अगस्त को निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसीलों में काम करने वाले नंबरदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। यह विभाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है और हरियाणा में नंबरदारों के 28,000 स्वीकृत पद हैं। वर्तमान में 18,000 नंबरदार कार्यरत हैं, बाकी पद खाली पड़े हैं। नई नियुक्तियों के भरने की मांग भी रखी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में नंबरदारों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर गांव में संपर्क अभियान चलाकर नंबरदारों को निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नंबरदार किसान व प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, इसलिए नंबरदारों को अपना कार्य बखूबी से करना चाहिए। वहीं नंबरदार दीपक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नंबरदार सरकार के साथ रहकर आंख और कान का काम करते हैं। मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर सम्मेलन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। नंबरदारों के खाली पदों की वजह से तहसीलों में वेरिफिकेशन का काम प्रभावित हो रहा है। पहले सरकार ने संबंधित गांव के ही वकील को वेरिफिकेशन के अधिकार दिए थे, लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में दूसरे गांव के नंबरदार से वेरिफिकेशन करवानी होती है। नंबरदारों को वर्तमान में 3,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। मानदेय भी कई बार 6 महीने में तो कभी 8 महीने में आता है। अब इस मानदेय को बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री के सामने मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा।